सो जहिन साथियों, जितना मेरे सिक्योरिटी भाई हैं, जो लोग भी सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या फिर जो कोई पर्सन सिक्योरिटी में काम करना चाहते हैं, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो होता है रजिस्टर मेंटेन। क्योंकि रजिस्टर से ही सारा कुछ पता चलता है कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है, क्या कुछ मेंटेन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं और रजिस्टर किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है, व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर हम किसको कहते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर एक बुक होता है, यानी कि एक नोटबुक होता है, जहां पर हम किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के विवरण को लिखते हैं, यानी कि डिटेल को लिखते हैं, उसको हम रजिस्टर कहते हैं। फिर से सुनिए, रजिस्टर एक नोटबुक होता है जहां पर हम किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को, किसी मटेरियल को डिटेल में लिखते हैं, उसको हम रजिस्टर कहते हैं। उसके बाद आता है रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि सिक्योरिटी रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि गेट में एक सिक्योरिटी को कितना रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। ये आपके यूनिट के हिसाब से रहता है, एज पर योर साइट रिक्वायरमेंट। आप जहां पे काम कर रहे हैं उसी साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मतलब रजिस्टर को बढ़ाना पड़ सकता है या फिर रजिस्टर को कम करना भी पड़ सकता है। जैसे कि कहीं कहीं साइट में 5 रजिस्टर होता है, कहीं कहीं साइट में 2 भी रजिस्टर होता है और कहीं कहीं साइट में 10 भी रजिस्टर हो सकता है। वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि आप जहां पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कितना रजिस्टर आपको देंगे और क्या क्या भरने के लिए देंगे, उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना है। जैसे कि हम लोगों का बहुत सारा साइट है और बहुत सारा साइट में कुछ कॉमन जो रजिस्टर होता है उसके बारे में हम आज बताएंगे। यानी कि सभी साइट में अलग अलग रजिस्टर होता है, लेकिन कुछ साइट होता है जो कि कॉमन रजिस्टर होता है, मतलब सभी साइट में ये रजिस्टर होता ही होता है। तो सबसे पहला जो रजिस्टर आता है वो होता है अटेंडेंट रजिस्टर। अटेंडेंट रजिस्टर यानी कि स्टाफ रजिस्टर। आपके यूनिट में कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, कौन सी स्टाफ कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इनका आउट एंड इन अटेंडेंट रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। यानी कि जितना भी वर्कर काम कर रहे हैं वो तो मेन गेट से एंट्री करेंगे, तो गेट में अटेंडेंस रजिस्टर होता है। तो सबसे पहला रजिस्टर होता है अटेंडेंस रजिस्टर। यहां पे क्या किया जाता है, सारे स्टाफ का अटेंडेंस एंट्री किया जाता है, यानी कि कौन कितने बजे आया, कौन से डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, कितने बजे जाएगा, मतलब कितने बजे उनका छुट्टी होगा, इन एंड आउट टोटल अटेंडेंस रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। आजकल तो फिंगरप्रिंट भी आ गया, यानी कि आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पर फिंगरप्रिंट भी आ गया, फिंगरप्रिंट को भी एंट्री करके एंट्री हो सकता है, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर 100% आपके यूनिट में होगा। तो अटेंडेंस रजिस्टर में आपको टोटल स्टाफ लोगों के बारे में एंट्री करना है। नेक्स्ट आता है विजिटर रजिस्टर। विजिटर रजिस्टर यानी कि आपके प्रीमाइसेस में, यानी कि आपके यूनिट में कोई अगर विजिटर आते हैं, जैसे कि वेंडर या फिर कंट्रेक्टर, उनका डिटेल मेंटेन करके छोड़ना है, अंदर एंट्री करना है। उनका डिटेल क्या मेंटेन करना है, जैसे कि रजिस्टर के ऊपर हेडिंग दिया हुआ रहेगा, जैसे कि कोई सुपरवाइजर, आपका सुपरवाइजर या फिर आपका ASO या फिर आपका फील्ड ऑफिसर मेंटेन कर दिए होंगे, हेडिंग दे दिए होंगे, जैसे कि सीरियल नंबर, पर्सन नेम, इन टाइम, आउट टाइम, उनका गाड़ी का नंबर यानी कि व्हीकल नंबर, उनका मोबाइल नंबर, किसको मिलने के लिए आए हैं, देन उनका सिग्नेचर, ऐसा विजिटर का टोटल मेंटेन करके छोड़ना है। वो कोई वेंडर भी हो सकते हैं, कंट्रेक्टर भी हो सकते हैं। किसी भी विजिटर को विदाउट एंट्री में एंट्री नहीं किया जाता। अगर वो भी अंदर एंट्री करेंगे तो विजिटर रजिस्टर में एंट्री करके ही छोड़ना है। नेक्स्ट आता है पार्किंग रजिस्टर, यानी कि व्हीकल रजिस्टर। कोई भी अगर गाड़ी, कोई भी व्हीकल या फिर कोई भी गाड़ी अगर अंदर एंट्री करता है पार्किंग में, तो पार्किंग में उनका डिटेल मेंटेन किया जाता है। कौन सी गाड़ी कितने बजे एंट्री किया, इन टाइम एंड आउट टाइम, कौन लेकर गया, उनका नाम किया था, ये सारा कुछ पार्किंग में, पार्किंग रजिस्टर यानी कि व्हीकल रजिस्टर में टोटल एंट्री किया जाता है। नेक्स्ट आता है मटेरियल रजिस्टर, यानी कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर। आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पर कुछ ना कुछ मटेरियल बनता होगा, तो मटेरियल का रजिस्टर जो होता है वो होता है इन एंड आउटवर्ड रजिस्टर। ये दो अलग अलग रजिस्टर भी हो सकता है, एक भी रजिस्टर हो सकता है, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि आप जहां पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ज्यादातर ये जो मटेरियल रजिस्टर होता है इनवर्ड अलग होता है एंड आउटवर्ड रजिस्टर
अलग अलग होता है। तो इसमें हम क्या क्या एंट्री करेंगे, जैसे कि कोई अगर आउटवर्ड रजिस्टर में तो आपको पास दे दिया जाएगा, यानी कि क्या लेकर जा रहा है, अंदर में क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ आउटवर्ड रजिस्टर में आपको एंट्री करना है। लेकिन इनवर्ड कोई अगर मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल आता है, तो उनके पास ज्यादातर मैं देखा हूं कोई भी पास वैसे नहीं रहता। तो वहां पे हमको क्या करना है, टोटल डिटेल पूछ के टोटल एंट्री करना है, तब जाके छोड़ना है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो रजिस्टर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है, क्योंकि वहां से कंपनी का टोटल इन एंड आउटवर्ड को टोटल मैनेज किया जाता है। तो इन एंड आउटवर्ड जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है, मटेरियल जो रजिस्टर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है। नेक्स्ट रजिस्टर होता है डेप्लॉयमेंट रजिस्टर। डेप्लॉयमेंट जो रजिस्टर होता है ये सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज का, यानी कि सिक्योरिटी स्टाफ लोगों का रजिस्टर होता है। जैसे कि 8 घंटा का भी ड्यूटी रहता है, 12 घंटा का भी ड्यूटी रहता है, तो 8 घंटा मान लीजिए आपका अगर शिफ्ट है, तो 8 घंटा में कौन से सिक्योरिटी गार्ड कौन सी पोस्ट में काम कर रहे हैं, कितना प्रेजेंट है ए शिफ्ट में, बी शिफ्ट में, सी शिफ्ट में, कोई छुट्टी है क्या, उसके जगह पर कोई ओटी कर रहा है क्या, ऐसा सारा कुछ डेप्लॉयमेंट रजिस्टर में टोटल मैनेज किया जाता है। तो ये जो 4-5 जो रजिस्टर होता है ये कॉमन रजिस्टर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रजिस्टर होता है, जैसे कि की रजिस्टर। की रजिस्टर मतलब क्या, आपके प्रीमाइसेस में आपके यूनिट में बहुत सारा रूम होता है, जैसे कि सिक्योरिटी रूम होता है, हाउसकीपिंग रूम होता है, ऑफिस रूम होता है, ऐसे बहुत सारा रूम को लॉक किया जाता है, उसका चाबी जो है सिक्योरिटी के पास रहता है, यानी कि सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पास रहता है। तो उसको भी टोटल रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, कौन सी की किसको देना है, किससे रिसीव करना है, ऐसा सारा कुछ सिक्योर रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आता है हैंडओवर एंड टेकओवर रजिस्टर। जैसे कि मान लीजिए आपका अगर ड्यूटी 12 घंटा का है, तो 12 घंटा में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, ये हैंडओवर एंड टेकओवर रजिस्टर में लिखा जाता है, टोटल मेंटेन किया जाता है, टोटल डिटेल मेंटेन किया जाता है हैंडओवर एंड टेकओवर रजिस्टर में। नेक्स्ट आता है मेडिसिन रजिस्टर। जैसे कि बहुत सारा कंपनी में बहुत सारा स्टाफ लोग काम कर रहे होंगे, अगर छोटा मोटा कोई दिक्कत अगर हो जाता है, छोटा मोटा अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसी सिलसिले में मेडिसिन भी रखा जाता है कंपनी में। तो किस कौन से मेडिसिन किसको दिया गया, कब दिया गया, क्यों लिया, ऐसे मेडिसिन को भी मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आता है पेट्रोलिंग रजिस्टर। पेट्रोलिंग रजिस्टर में जितना भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं, रात में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ क्या, ये सारा कुछ पेट्रोलिंग रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आता है डीजी रजिस्टर। डीजी कब चलाया गया, कब बंद किया गया, ये सारा कुछ लिखा जाता है, कब डीजल लोड किया गया, कब खत्म हुआ, कितना टाइम चलेगा, कितना टाइम चला है, ऐसे कुछ डीजी रजिस्टर में भी मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी रजिस्टर। लाइब्रेरी में जो रजिस्टर होता है वहां पे भी लाइब्रेरी कौन सी बुक किसने लेकर गया है, ऐसा बहुत सारा लाइब्रेरी होता है, वो वहां पे कौन सी स्टाफ कौन सी बुक लेकर गए हैं, क्या करके कब लाकर देंगे, ऐसे बहुत सारा रजिस्टर, ऐसे लाइब्रेरी में हम लाइब्रेरी रजिस्टर को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है पेरेंट्स रजिस्टर। पेरेंट्स रजिस्टर स्कूल या कॉलेज में दिया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स स्कूल कॉलेज में उनका बच्चे लोग काम पढ़ेंगे, तो पढ़ते हुए वो पेरेंट्स बच्चे लोगों को मिलने के लाएंगे, यानी कि मीटअप करने के लाएंगे, तो वही पे पेरेंट्स का एंट्री करके स्कूल या फिर कॉलेज में एंट्री किया जाता है। तो ये था कुछ कॉमन रजिस्टर। लेकिन कोई भी साइट में रजिस्टर जो होता है फिक्स नहीं रहता है, वो साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रजिस्टर फाइनल किया जाता है। तो आशा करता हूं इस वीडियो में हम जितने भी कुछ बताए रजिस्टर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।